हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नेहास एजुकेशन पॉइंट आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है विटामिन्स पहले ये जान लेते हैं कि विटामिन होते क्या हैं वट इज विटामस विटामिन इज एन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स दैट इज एन इजेंशियल माइक्रो न्यूट्रेंट विच एन ऑर्गेनिज्म नीड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म तो देखिए मैंने यहाँ एक छोटा सा चार्ट ड्रॉ करा है जिसमें हमें पता चल रहा है कि विटामिन हमारे कौन-कौन से होते हैं ए बी सी डी ई एंड के जो हमारा बी विटामिन होता है उसमें भी हमारे कई वो, होते हैं, वो भी जानते हैं बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव बी सिक्स बी सेवन बी नाइन एंड बी ट्वेल्व तो चलिए और आगे से डिटेल में समझते हैं विटामिन ए किस लिए होता है ये होता है हमारा रेटिनल के लिए अच्छा इसके बेनिफिट्स क्या है हमारे बेटर आईसाइट फिर क्या बेनिफिट है स्ट्रोंगर टीथ एंड बोन्स फिर है हेल्दी स्किन ये हमको बेटर आईसाइट देता है आंखों की रोशनी अच्छी करता है स्ट्रॉगर टीथ देता है बनाता है और हमारी बोन्स को भी स्ट्रांग करता है हेल्दी स्किन तो इसका सोर्स क्या है ये कैसे हमें मिल सकता है विटामिन ए अब ये जानते हैं फिश से रिपेन फ्रूट से लीफी वेजिटेबल से और मिल्क प्रोडक्ट से तो चलिए और आगे बढ़ते हैं विटामिन बी ग्रुप ऑफ एट विटामिन इस विटामिन बी के जो एट ग्रुप्स हैं अब उसके बारे में जानते हैं सबसे पहले है हमारा बी वन विटामिन बी वन ये है थायमाइन के लिए दिस विटामिन हेल्प्स टू प्रोड्यूस एंजाइम्स विच क्रिएट एनर्जी हेल्प्स इनर इनर्स फंक्शनिंग फाउंड इन किसमें ये हमें मिल सकता है मीट से होल ग्रेन से एंड ब्रेड से नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी टू यह है हमारा रेबोफ्लेविन दिस विटामिन हेल्प्स टू इम्प्रूव आईसाइट एंड हेल्दी स्किन विटामिन बी से हमारी जो आईसाइट है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है एंड हमें हेल्दी स्किन मिलती है अब विटामिन बी Uh, बी का क्या सोर्स है फाउंड इन कहाँ से हमें मिल सकता है होल ग्रेन से मिल्क प्रोडक्ट से लीफी वेजिटेबल से थर्ड वन है हमारा विटामिन बी थ्री नाइसिन दिस विटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर नर्वस सिस्टम दिस इज हेल्प टू डाइजेस्ट फूड अब इसका क्या सोर्स है कहाँ से ये हमारा विटामिन बी हमारे बॉडी में पूरा हो सकता है वो भी जान लेते हैं फाउंड इन मीट फिश एग एंड वेजिटेबल से चलिए और आगे बैठते हैं बी फाइव विटामिन पेनोथेनिक एसिड दिस विटामिन हेल्प्स इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। फाउंड इन मतलब ये हमें कहाँ से ऐसी कौन सी चीज हम खाएं जो हमें ये विटामिन भी प्राप्त हो हमारे शरीर में इसकी कमी पूरी हो फाउंड इन क्या सोर्स है इसका मीट एवोकेटो एंड ब्रोकली फिर है हमारा बी सिक्स विटामिन प्यारी डॉक्साइन दिस विटामिन हेल्प्स इन बिल्डिंग रेड ब्लड सेल ये हमारी रेड ब्लड सेल को डेवलप करने में हेल्प करता है विटामिन बी सिक्स इन कहा से प्राप्त होगा ट्रीनट से वेजिटेबल से एंड अ बनाना से फिर है विटामिन बी सेवन बी सेवन विटामिन बायोटीन दिस विटामिन हेल्प टू प्रोड्यूस एंजाइम्स इन आवर बॉडी ये हमारी बॉडी में एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है फाउंडेन कहा से प्राप्त करें इसे क्या ऐसी चीजें हम खा सकते हैं लीफी वेजिटेबल्स पीनट्स रॉ एग यॉग फिर है बी नाइन विटामिन विटामिन बी नाइन फॉलेट्स दिस विटामिन टू प्रोड्यूस डीएनए एंड न्यू ब्लड सेल ये हमारे न्यू ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है बी नाइन विटामिन तो अभी आगे देखेंगे इसका भी क्या सोर्स है कहाँ से फाउंड इन इसको प्राप्त कर सकते हैं ऐसी क्या चीजें खाएं तो चलिए देख लेते हैं फाउंड इन लीफी वेजिटेबल्स लीफी वेजिटेबल्स में बहुत सी चीजें आ सकती हैं पालक है और साग सब्जी कुछ भी लीफी वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं ब्रेड से कहा से मिले ब्रेड खा सकते हैं हम पास्ता ये सारी हमारी कमियों को दूर करता है फिर बी ट्वेल्व पे आ जाते हैं विटामिन विटामिन बी ट्वेल्व है हमारा दिस विटामिन हेल्प्स इन नर्वस फंक्शनिंग एंड न्यू सेल बिल्डिंग ये हमारी बॉडी में हमारा जो नर्वस फंक्शन होता है उसमें हमारी हेल्प करता है और न्यू सेल बिल्ड ये हमारे न्यू सेल्स को बनाता है फाउंड इन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं क्या सोर्स है इसका फिश है एग है ब्रेड है एंड पोलट्री नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है फिर जानेंगे फाउंड इन इसका क्या सोर्स है ये कहां से प्राप्त हो सकते हैं विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड्स है इम्यूनिटी बूस्टर एब्जॉर्ब आयरन मेटाबॉलिज्म। इसके ये हमारे बेनिफिट्स होते हैं विटामिन सी से फाउंड इन कैबेज लेमन ऑरेंज ये हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं स्ट्रॉबेरी इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं हमें मिल सकते हैं तो चलिए और आगे बढ़ते हैं विटामिन डी की तरफ विटामिन डी इसके विटामिन डी से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं इम्प्रूव इम्यूनिटी एब्सॉर्ब कैल्शियम नर्वस फंक्शनिंग ये हमारे इससे बेनिफिट होते हैं जो हमारा विटामिन डी अगर हमारे में पर्याप्त मात्रा में हो तो इन इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है विटामिन डी का वो है सनलाइट धूप उसके बाद है विटामिन ई एंटी प्रोटेक्ट द सेल वॉल हेल्दी स्किन एंड आईज सपोर्ट इम्यून फंक्शन ये इसके बेनिफिट हैं अगर हमारे अंदर विटामिन ई e की मात्रा भरपूर है तो फाउंड इन ये कहाँ से मिलते हैं हमें ये ज्यादातर हमें ऑयल्स से मिलते हैं ऑयल्स मैंने यहाँ दिए हैं बहुत से होते हैं यहाँ मैंने कुछ सिलेक्टेड ऑयल बताए हैं सोयाबीन ऑयल कोकोनट ऑयल पीनट ऑयल कॉर्न ऑयल एक्सेट्रा नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा विटामिन के इसके क्या बेनिफिट है हेल्प्स टू क्लोर ब्लड प्रॉपरली और ये कहाँ से मिलता है हमको ये ज्यादातर हमें लीफी वेजिटेबल से मिलता है सो so फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय